हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आया तेजपुर यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आया है 04/2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर जो मेंशन कर रखा है, तो यहां पे टीचिंग पोजीशन के लिए वैज डिपार्टमेंट सेंटर्स में जो है एप्लीकेशन को इनवाइट किया गया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो लास्ट डेट क्लियरली मेंशन कर रखी है वो 16 मार्च है, ठीक है। तो लास्ट डेट यहां पे आप देख सकते हैं 16 मार्च 2021 से पहले जो है आपको अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करके सेंड करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है और जो लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 17 फरवरी 2021 और जो लास्ट डेट है 16 मार्च 2021 है। और डुली साइंड हार्ड कॉपी जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फिलअप किया है अलॉन्ग विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आपका जो है पहुंच जाना चाहिए 26 मार्च 2021, ठीक है। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का जो है वो फी पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वह अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट नहीं करनी है। इसके अलावा जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। एक बार आप एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे उसके बाद ही जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट होगा। तो आपको अपना एप्लीकेशन ई रिसिप्ट यानी कि पेमेंट फ़ी रिसिप्ट के साथ साथ आपका जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन का विद योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो आपको जो है वो सेंड कर देना है, क्योंकि आप क्लियरली जो है वो मैंसन कर रखा है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन वो सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू होंगे, तो यहाँ पे कोई ऑफलाइन का चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डिजिग्नेशन क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला जो है प्रोफेसर का, दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर, तीसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का। वहीं अगर बात करें यहाँ पे एकेडमिक पे लेवल का, तो यहाँ पे अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो पे लेवल रहेगा 14 रहेगा। तो यहाँ पे रेशनलाइज एंट्री पे जो रहेगा वो 1,44,200 रहेगा। वहीं अगर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पे आपका एकेडमिक लेवल 13A का पे ग्रेड रहेगा और आपका यहाँ पे रेशनलाइज एंट्री पे जो रहेगा वो 1,31,400। वहीं अगर बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे आपका रहेगा एकेडमिक लेवल 10 और जो पे लेवल रहेगा एंट्री पे लेवल रहेगा वो रहेगा आपका 57,700, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड और आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए तो आप एक प्रेस्क्राइब परफॉर्मा जो कि यहाँ मेंशन कर रखा होगा, तो या तेजपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रेस्क्राइब परफॉर्मा होगा तो वहाँ पे जाके आप जो है उसे ऑनलाइन फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद अपना हार्ड कॉपी जो भी है वो आप सबमिट करिए ऑनलाइन के बाद साथ, और साथ ही साथ जो है उसका प्रिंट आउट लेके डुली साइन कर दिए और अपने जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब जो है आपको अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड कर देना है द रजिस्ट्रार तेजपुर यूनिवर्सिटी PO डिस्ट्रिक्ट सोनितपुर पिन 78408 असम, ठीक है। तो आपको ये जो फॉर्म है वो आपका आई थिंक 26 मार्च 2021 से पहले जो है आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपका डिस्कस के लिए। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो है लास्ट क्या बोलते हैं आपको यहाँ पे डिजिग्नेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे जो बैकलॉग वैकेंसीज और जो नॉर्मल वैकेंसीज वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे जो है आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। तो प्रोफेसर के लिए देखिए ऑलमोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट सेंटर है सब में वैकेंसीज को निकाला गया, तो आप जिस भी कैटेगरीज में हैं और आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए भी। सेम एसोसिएट प्रोफेसर में भी यहाँ मेंशन कर रखा है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर सर है उसके लिए भी यहाँ पे देखिए क्लियरली जो है बैकलॉग वैकेंसी एज वेल एज नॉर्मल पोजीशन एंड रिजर्वेशन जो है वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो आप जो है जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं अगर वहाँ पे वैकेंसीज हैं तो आप उसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका अपने पहले बहुत से वीडियो में, तो अगर प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ PhD डिग्री होना चाहिए, मिनिमम आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चाहे वो टीचिंग में हो चाहे रिसर्च में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, और आपके मिनिमम 6 रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए एट द लेवल ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन साइंस जनरल, ठीक है। इसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका PhD डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एटलीस्ट 6 रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके साइंस जनरल में। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपका BE, BTEC, BS, ME, MTEC, MS होना चाहिए रिलेवेंट ब्रांच में। अगर आप जो है डिजाइन के लिए कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन डिजाइन यानी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी जो मैंने आपका डिस्कस कर लिए, तो यहाँ पे डिटेल में दे रखा है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए।
अगर आप जो है इन डिफरेंट डिफरेंट डिजिग्नेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी सब डिटेल में दे रखा है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं एलिजिबिलिटी, तो आप जो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए रिलेवेंट या अलाइड या कंसर्न फील्ड या ब्रांच सब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पे जो है आपको डिपार्टमेंट में आपका क्या रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए आपका, अगर आप उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे आपका PhD केमिस्ट्री में होना चाहिए, बैचलर भी केमिस्ट्री में होना चाहिए, मास्टर भी केमिस्ट्री में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि बहुत लोगों का ऐसा होता है BSc वो किसी और स्ट्रीम से करते हैं, और MSc किसी और स्ट्रीम से करते हैं, और PhD किसी और अलग स्ट्रीम से करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कभी कभी उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप जो हैं क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है एप्लीकेशन को फिलअप करिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अगर आप जो है अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज में, वहीं अगर आप जो है SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके साथ ऑलरेडी सारा कुछ शेयर कर लिया है और डिस्कस भी कर लिया कि आपको क्या क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने जो कंप्लीट एप्लीकेशन जो आप फिलअप करने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा फिलअप करने के बाद, उसके साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट, SC ST OBT सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, नेट गेट सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, डिग्री, तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट जितने भी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, तो वो सब जो है आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है अटैच करके सेंड कर देना है तेजपुर यूनिवर्सिटी में। एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे जो है वो मेंशन कर रखा है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी मैंने ऑलरेडी बता दी, 1000 रुपीज़ फॉर जनरल OBC और SC ST PWD के लिए कोई भी फी यहाँ पे पेमेंट नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।